हेलो गाइस, कैम छो। मेरा नाम है मोटो न्यूज और मैं आपके लिए लाया हूँ हमेशा की तरह इंडियन मोटर गेम से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एनीवेज बढ़ता हमारे फर्स्ट अपडेट जो की आ रहे थे UK07 राइडर की तरफ से, बोले तो बाबू भैया की तरफ से। तो भाई लोग, आपको पता ही होगा बाबू भैया अपने 5 मिलियन पे अपने टी शर्ट लॉन्च करने वाले थे। फाइनली भाई लोग वो टी शर्ट लॉन्च हो चुकी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। भाई लोग वो टी शर्ट आप कब ले सकते हो, मैं बाबू भैया की इंस्टाग्राम स्टोरी दिखा देता हूँ। और भाई लोग, बाबू भैया ने UK07 राइडर के नाम से एक ऑफिशियल पेज बनाया था इंस्टाग्राम पे, और उस पेज पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला ब्रो सेना की तरफ से। मैं आपको बाबू भैया की इंस्टाग्राम स्टोरी दिखा देता हूँ। सो हेमलो जी, कल ना मैंने स्टोर बनाया था ऐसी मजाक में, और मुझे लगा था कि ठीक है, मतलब ब्रोसेना पहुंच जाएगी, बट इतने फॉलोवर हो जाएंगे ये नहीं सोचा था। एक लाख फॉलोवर हो जाएंगे आज शाम तक। जाओ जा करके फॉलो कर लो गाइज, और जब तक मैं सो के उठ। एनीवेज बढ़ते हमारे दूसरे अपडेट जो की आ रही है बीर बाइकर सम्मी की साइड से। तो पहले आपको पता ही होगा बीर बाइकर सम्मी ने पिछले काफी महीनों से सुपर बाइक को लेकर काफी ज्यादा हाइप बना रखी थी, और काफी बार उन्होंने पूछा था अपने ऑडियंस से कि मुझे BMW S1000 RR लेनी चाहिए या फिर हयाबुसा लेनी चाहिए। और उनकी ऑडियंस ने डिमांड की थी BMW S1000 RR की। कल उनके इंस्टाग्राम से एक स्टोरी आउट हुई है जहाँ पर उन्होंने बताया कि मुझे BMW S1000 RR लेनी चाहिए या फिर यामाहा की R1 लेनी चाहिए। तो आप उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी देख सकते हो स्क्रीन पर। ज्यादातर लोगों ने डिमांड की है BMW S1000 RR की। तो हम बात कर लेते हैं आमिर माजिद की। तो भाई लोग, आप लोगों ने काफी सारी वीडियो देख ली होगी यूट्यूब पर आमिर माजिद के एक्सीडेंट से रिगार्डिंग। तो भाई लोग, उसके ऊपर आमिर माजिद ने अभी तक कुछ भी रिएक्ट नहीं किए है, कुछ भी अपडेट नहीं दिया है, बट सुनने में आ रहा है कि उनको कुछ ज्यादा हुआ नहीं है और उनके साथ जो भी उनके फ्रेंड्स थे उनको भी कुछ नहीं हुआ है। बट आमिर माजिद के एक्सीडेंट से रिगार्डिंग विशाल सिंह बाबू ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला है, और उन्होंने क्या बोला है आप खुद सुनिए। कल ये कांड कर दिया आमिर, तू सबसे पहले ना अपने ये हैना मोंटाना वाले ना बाल कटवा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा तेरे इन हैना मोंटाना वाले बालों में कोई ऐसा मधुमक्खा घुस चुका है, मधुमक्खी नहीं मधुमक्खा घुस चुका है, जो तेरे दिमाग में हावी हो जाता है और फिर तुझसे ये उल्टी सीधी हरकतें करवाता है। ये इतने तो बाबा चूरनदास दिन में चूरन वाले पादमी मारता जितने तो दिन में कांड कर देता है। देख, पहले तूने सड़कों पे लोगों को बाइक से परेशान किया, फिर तूने कहा मैं बाइक्स बेच देता हूं, लोग भी मेरी वजह से परेशान हो रहे और मैं भी लोगों की वजह से परेशान हो रहा हूं। आमिर माजिद ने तेज रफ्तार से वहां पर गाड़ी चलाई, जो वहां के लोकल लोगों ने बताया है। पहले वहां पर एक गाड़ी खड़ी थी, उसको जाकर इसने हिट किया, और उसके बाद वहां पर खंबे को हिट किया। भाई लोग, आपको फुल वीडियो देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके देख सकते हो। और भाई लोग, आमिर मजिद के एक्सीडेंट के ऊपर जिन्नत व्लॉग्स ने भी रिएक्ट किया है, और आमिर मजिद ने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं मोटो व्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ। और भाई लोग, मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा था उस दिन जब मैंने ये सुना था, और इसी के ऊपर जिन्नत व्लॉग्स ने भी रिएक्ट किया है। और जिन्नत व्लॉग्स ने उन लोगों को भी पोक किया है जो आमिर मजिद के साथ पहले व्लॉग करते थे स्टार्टिंग में। और भाई लोग, आपको पता ही आमिर मजिद के साथ अभी क्या हो रहा है, आप लोगों को पता ही है। और जो आमिर मजिद के साथ पहले व्लॉग करते थे उन लोगों ने आमिर मजिद के ऊपर कुछ रिएक्ट भी नहीं किया है जब ये हुआ था तब। और उसी के ऊपर जिन्नत लोग ने क्या बोला है मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ, फुल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आमिर माजिद जो है वो मोटो व्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, अब वो नॉर्मल लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करेंगे। तो उसके बाद आज जो है कि उनका एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत ज्यादा बुरा लगा गाइस। तो गाइस, मैं मोटो व्लॉगिंग उनको देख देख के बहुत लोग उठे एंड उनकी सपोर्ट से सीरियसली, मतलब के कुछ लोग तो मतलब उनकी वजह से इतना चढ़े, देन उनके बाद उसके बाद उनको ही बुला भला बुरा बोलने लगे और उनसे साइड हो गया। बट ये चीज़ गलत है यार, जिस बंदे की वजह से इतना उसे जम्मू एक्सप्लोर किया है मोटो व्लॉगिंग उसी ने लाया ट्रेंड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको छोड़नी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं तब बिग डील के बारे में। तो उन्होंने अपनी ZX10R की डिलीवरी ले ली है जम्मू में, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और काफी सारे यूट्यूबर्स भी आए हुए थे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और उनके चैनल पर अभी 32,000 सब्सक्राइबर है। और जब उनके चैनल पर 2,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो कावासाकी H2 लेने वाले हैं। आपको थोड़ी क्लिप दिखा देता हूँ उनकी वीडियो से। और 2,00,000 पे हम H2 भी ला रहे हैं, 2,00,000 पे H2 ला रहे हैं। बट गाइस, अगर आप करते हो तो करवा देंगे यार, हमारे भाई हैं सारे, है ना। तो ये थी भाई लोग मोटो व्लॉगिंग से कुछ इंपोर्टेंट अपडेट जो कि मैंने आपको बता दी है। और भाई लोग, मुझे बताना कमेंट करके वीडियो कैसी लगी। एंड हाँ, वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।